निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई, लेकिन नामांकन केंद्रों से ज्यादा भीड़ पार्टी के दफ्तरों पर दिखाई दी। ये भीड़ सियासी दलों का उत्साह बढ़ाने वाली जरूर है, लेकिन इसके साथ ही पार्टी के सामने चुनौती बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है टिकट के लिए दावेदारों की लाइन लंबी होती जा रही है। ऐसे में भाजपा हो या सपा, सबके सामने चुनौती बड़ी। निकाय चुनाव में अब गिनती के दिन बचे हैं और सियासी दलों की पूरी कोशिश इस कम समय में ही खुद को मजबूत बनाने की है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल टिकट बंटवारे को लेकर है। सपा हो या भाजपा, दोनों ही पार्टियों के दफ्तरों पर सुबह से शाम तक भीड़ नजर आ रही है। जो भाजपा हर वक्त चुनावी मोड में रहती है, उसके दफ्तर के बाहर प्रदेश भर से टिकट की चाहत रखने वालों की भीड़ जुटी है। हम इस समय भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में हैं, जहां नजारा दिखाते हैं आपको। निकाय चुनाव की घोषणा हो या किसी भी चुनाव की घोषणा हो या कोई भी वक्त हो, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में हर समय चुनावी तैयारियां चलती रहती हैं। लोगों का आना जाना लगा है, गाड़ियां खड़ी हुई हैं। तमाम जो विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रभारी हैं, मोर्चों के प्रभारी हैं, जो चुनाव में जो प्रभारी बनाए गए हैं, वो भी यहाँ पर लगातार आ जा रहे हैं। और भीतर के कमरे में जो टिकटार्थी हैं उनका मजमा लगा हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष से मिलने के लिए जो संगठन मंत्री हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, तमाम नेताओं से मुलाकात करने के लिए, अपनी दावेदारी को मजबूत तरीके से पेश करने के लिए लोग अलग अलग जनपदों से यहां पर आए हुए हैं। सपा के प्रदेश मुख्यालय में भी हलचल तेज है। मंगलवार को अखिलेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मेयर प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया। इस बीच प्रदेश के बड़े नेता लगातार आते जाते दिखे। एक तरफ जहां मीटिंग का दौर जारी रहा, तो टिकट के लिए नेताओं की भी भीड़ नजर आई। हालात ये बन गए कि पार्टी मुख्यालय के बाहर गाड़ी खड़ी करने की जगह भी नहीं बची। निकाय चुनाव में अगर किसी राजनीतिक दल के दफ्तर के बाहर सरगर्मी दिखती है, तो वो है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और तमाम टिकटार्थी चुनाव को लेकर खासे उत्साहित है और भीड़ लगी हुई है। ये प्रदेश मुख्यालय है, भीतर अखिलेश यादव, नरेश उत्तम पटेल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं, मेयर के टिकट के लिए नामों पर मंथन कर रहे हैं, और बाहर टिकटार्थियों की भीड़ लगी है। प्रदेश के अलग अलग जनपदों से महापौर के लिए, जो नगर पंचायत है उसके लिए, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के लिए लोग यहां पर अपनी दावेदारी करने आए हैं, और भीड़ इतनी है कि भीतर से बाहर तक पैर रखने की जगह नहीं है। कार्यकर्ता उमड़े हुए हैं, वाहनों का जमावड़ा इतना जबरदस्त है कि सड़क पर जाम की स्थिति है। लगातार यहां से लेकर अखिलेश यादव का घर और आगे बनरिया बाग चौराहा तक जाम लगा हुआ है। निकाय चुनाव में मजबूती का दावा करने वाले राजनीतिक दल कितने पानी में है, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन पार्टी के दफ्तरों का हाल भी बता रहा है कि किस पार्टी की क्या स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस दफ्तर के बाहर वही सन्नाटा नजर आया जो आम तौर पर देखा जाता है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का हाल बहुत अच्छा नहीं नजर आ रहा है। यहाँ पर टिकट मांगने वालों की संख्या ना के बराबर है, सिर्फ नेताओं की भीड़ है। नेता यहाँ पर तमाम इकट्ठे हैं और अंदर बैठक भी चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी की गाड़ी खड़ी है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी की गाड़ी खड़ी है, इसके अलावा नकुल दुबे की गाड़ी खड़ी है। सभी लोग अंदर विभिन्न प्रकोष्ठों की बैठक कर रहे हैं, लेकिन जो नज़ारा दूसरे दफ्तरों, राजनीतिक दलों के दफ्तर में है, जहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है, कांग्रेस में इस समय पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। यूपी में जो हाल कांग्रेस का है, वही हाल बसपा का भी होता दिख रहा है, क्योंकि पिछले साल जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो बसपा सिर्फ एक सीट पर सिमट कर रह गई थी, और अब जब निकाय चुनाव शुरू होने वाले हैं तो पार्टी दफ्तर पर न नेता नजर आ रहा है, न कार्यकर्ता, और न ही टिकट की मांग करने वालों की भीड़। बसपा सुप्रीमो मायावती निकाय चुनाव में भले ही जीत का दम भर रही हो, लेकिन उनके पार्टी मुख्यालय की हालत अच्छी नहीं दिख रही। पार्टी मुख्यालय में न कोई नेता है, न कार्यकर्ता है, न टिकटार्थियों की भीड़ है, और तो और कहा जाए तो यहाँ परिंदा भी नहीं दिख रहा। हम आपको नज़ारा दिखाते हैं, ये बसपा का प्रदेश मुख्यालय, यहाँ पर इस समय आज निकाय चुनाव के पहले चरण का पहला नामांकन का दिन है, यानी आज से नामांकन की शुरुआत हुई है, लेकिन अभी तक बसपा के किसी भी प्रत्याशी का नाम तक घोषित नहीं है। 17 नगर निगम, इसके अलावा नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, किसी में भी एक भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हो सकी है।
राजधानी लखनऊ में पहले चरण में मतदान होना है, लेकिन नामांकन के पहले दिन किसी भी दल की तरफ से प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।